मदद केवल एक बुद्ध के माध्यम से ही संभव है। मदद केवल एक जागृत व्यक्ति के माध्यम से ही संभव है। मनोचिकित्सक भी तुम्हारी तरह सोए हुए होते हैं, वे भी उसी नाव में हैं। तुम और उनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, बल्कि वे तुमसे ज्यादा पागल हो सकते हैं, क्योंकि वे लगातार पागल लोगों के बीच रहते हैं। दिन रात पागल लोगों के संपर्क में रहकर धीरे धीरे वे खुद भी पागल हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है। उनके पास वह जागरूकता नहीं है जो उन्हें अलग और अप्रभावित रख सके। वे भी उसी अंधेरे घाटी में भटक रहे हैं जहां तुम भटक रहे हो। अगर कोई व्यक्ति अंधा है और उसे पता है कि वह अंधा है, तो वह अधिक सावधानी से चलेगा। मदद केवल उच्च स्रोतों से ही संभव है। एक व्यक्ति जो तुम्हारी स्थिति में है, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मदद केवल तब संभव है जब एक पूरी तरह से जागरूक व्यक्ति अचेतन की मदद करता है। जैसे कि तुम सो रहे हो, क्या तुम सोचते हो कि कोई और जो सो रहा है वह तुम्हारी मदद कर सकता है? केवल कोई जागा हुआ व्यक्ति तुम्हें जगा सकता है। अगर तुम सुबह 5 बजे जागना चाहते हो, तो तुम किसी सोए हुए व्यक्ति से नहीं कहोगे, कृपया मुझे 5 बजे जगा देना। तुम ये किसी जागे हुए व्यक्ति से कहो। जागे हुए लोग एक अलग माहौल बनाते हैं, बुद्ध एक अलग ऊर्जा पैदा करते हैं। वे तुम्हें झंझकोरते हैं, तुम्हें जगाते हैं। तुम्हें मनोचिकित्सकों की नहीं, बुद्धों की जरूरत है।